हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। तो पनीर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसमें डालने के लिए हमने 2 प्याज लिया है, 1 टमाटर लिया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है गर्म करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, चुटकी भर हींग। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल लेंगे। साथ ही साथ हम पनीर को भी डाल देंगे। तीन से चार मिनट तक हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। पनीर और प्याज मेरा हल्का हल्का भुना गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। मैंने पहले से ही पेस्ट बना के रख लिया था। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। मेरा 1/2 केजी पनीर है और 1/2 केजी प्याज था। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, घर का पिसा हुआ मसाला, मीट मसाला। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। जब पक जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें हल्का हल्का दही ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दही है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, दही को फेंट के डालना है। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे। मसाला और पनीर मेरा दोनों देखिए खूब अच्छे तरह से भुना गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमको सब्जी चावल के रोटी के दोनों के साथ खाना है तो ना ज्यादा और ना ही ज्यादा कम में बनाएंगे हम। थोड़ा रसेदार बनाएंगे इसको। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम पकाएंगे। बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहेंगे।
सब्जी हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है ये, इसका जूस भी काफी गाढ़ा है। लीजिए फ्रेंड, रेडी है हमारा पनीर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।